लड्डू खाओगे? नहीं, तहजीब तहजीब लड्डू तहजीब। तुम जैसे लीचड़ आदमी से तहजीब में बात करना अपने आप में पाप है। मम्मा क्या हो गया, क्यों धुआं उड़ा रहे हैं आप हमारी दुकान पे आके? धुआं नहीं, धधक रहे हैं हम। तुमने हमारे घर में पिज्जा क्यों भिजवाया? पिज्जा? और हमने कब? मालिक, अभी आप ही ने तो कुछ देर पहले बुक किया था, तीखा तीखा पिज्जा। अच्छा वो हो, हाँ वो हमने किया था, लेकिन हमने अपने पते पे किया था। तो हमारे घर कैसे पहुंच गया? हमें क्या पता कैसे पहुंच गया, हो सकता है गलती से पहुंच गया हो। मियां, क्या है कि हम दोनों का पता एक है ना, इस तो हमारे नाम से कैसे पहुंच गया? तो हमें कैसे पता आपके नाम से कैसे पहुंच गया मियां? हो सकता है गलती से मिर्जा की जगह मिश्रा लिख दिया हो। तो क्या है कि दोनों की अल्फाजों की लय मिलती जुलती है ना। देखिए, मिर्जा मिश्रा टण तेने, देखिए कितनी लय मिल रही है, तेने नो ज्यादा ताता भैया। हमको ना समझाओ, समझे? ये सब तुम्हारी चाल है कि हमारे बच्चे पिज्जा खाएं और उसके बाद वो बकैती करने जाएं। मामिया, उल्टा हमारा 300 रुपए का पिज्जा चट कर गए और हमें मुर्जी ठहरा रहे हैं। मिर्जा, हमें गुस्सा मत दिलाओ, बता रहे नहीं, तुम्हारी चाय से भी चाय पत्ती शक्कर सब अलग कर देंगे, बता रहे तुमको। तो मियां, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, हम भी आपकी पान से कत्था अलग चूना अलग कर देंगे। मिर्जा! 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 बज रहा है। क्या बज रहा है? आपका फोन बज रहा है। हाँ शांति जी, बोलिए। अरे क्या बोले, जल्दी आओ, गजब हो गया है। क्या हुआ? अरे बच्चों ने वो तीखा वाला पिज्जा खा लिया है, तब से उनके पेट में गुड़ 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 हो रही है। अरे टैक्सी बुला लो जल्दी से, कहीं ऐसा ना हो कि घर में ही बकैती हो जाए। अरे हो गया सत्यानाश। अरे शांति जी, शांति जी, आप हमारा इंतजार ना कीजिए। अरे उनको लेकर के मॉल पहुंचे नहीं, जगह जगह बकैती हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, अरे हमारा इंतजार मत कीजिए, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। मिर्जा, हमारी और तुम्हारी की लड़ाई के बीच में तुमने हमारे परिवार को लाकर के सही नहीं किया, बता रहे हैं। मामिया, जंग और मोहब्बत में सब जायज। तो याद रखना, फिर जब हमारा मौका आएगा ना, तो हम भी परिवार पर रहम नहीं करेंगे, बता रहे हैं तुमको, देख लेना। तुम जाइए, पहले अपने बीवी बच्चों को देखिए, जाइए। मिर्जा, आज बकैती बीच में आ गई, तुमको देख लेते। जाइए जाइए, यहाँ से जाइए। लो आ गए। 2,500 रुपए, 400 जाने के, 400 आने के, 800। अरे हमसे तो 1,000 लिए थे। औरतों का यही तो टैलेंट होता है, बच्चों को खाने से नहीं रोक पाया ये टैलेंट। लो फिर और सुन लो, ऐसा है मिश्रा जी, बच्चे खाएंगे भी और जाएंगे भी, ये 100-100 रुपए बचाने से कुछ नहीं होगा, टॉयलेट बनवाने का इंतजाम करो जल्दी। अरे कर लिया है, बुलाए हैं मजदूर, 3 दिन में बन जाएगा टॉयलेट, लेकिन 3 दिन तक तो सब्र रखना पड़ेगा ना। अरे बाबू जी, हरी बोल। हरी बोल। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। और मेरे बच्चों, फ्रेश हो जाए, इस समय अलग अलग मॉल में फ्रेश होने जा रहे हो हैं? तुम लोगों को इस समय खिलाने में उतना खर्चा नहीं आ रहा जितना इधर उधर माल ले जाने में, बकैती कराने में खर्चा आ रहा। मम्मी पापा टूट गए हैं आर्थिक। बिट्टू भैया, इनको तुरंत काम पे लगवाओ, जल्दी से जल्दी टॉयलेट बने बस। तुरंत काम में कोई जगह बताओगे कि यही खुदवा दे? यार तुम्हारी आदत बहुत वैसी है। आओ आओ भे। देखिए जरा किसका फोन आया। जलजले का। जलजले मतलब भाभी जान का। सुनिए, आप सिर्फ भाभी बोला कीजिए, ठीक है? जान हम लगा देंगे। हेलो। हाँ बेगम जान, बताइए। बताइए क्या मियाँ, आपकी जान की जान पर बनाई है। बेगम, ऐसा क्या मसला हो गया, क्या हुआ? मियाँ नल में पानी नहीं आ रहा है। ओहो, तो हम आ जाए नल से। हमारा मतलब है कि बेगम कुछ अटक गया होगा ना, दूसरे नल में एक बार देखिए ना। हमने सारे नलों में देख लिया है, कहीं नहीं आ रहा है। आप फौरन हवेली आइए मियाँ। अच्छा चलिए ठीक है, हम किसी नलसाज को लेके आते हैं अभी, ठीक है? खुदा हाफिज़। आशिक मियाँ,
घर के नलों में पानी नहीं आ रहा, आप किसी नलसाज को जानते हैं जो उसे दुरुस्त कर दे? मालिक, नल को तो प्लम्बर ठीक करता है। मियां, नलसाज को ही प्लम्बर कहते हैं। हम है ना मालिक, चाय बनाने से पहले हम नल ही तो बनाते थे, दो चार पैसे बचा लेते थे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए चलिए, आप ही चलिए, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। मालिक, हम सब भूल गए, जब से चाय बनाने लगे हैं ना तब से नल बनाना भूल गए। भूत के और झूठ के पांव हमेशा उल्टे ही होते हैं, हमेशा पकड़े जाते हैं। अच्छा, आप भूल गए क्या मियां? ओहो, हम तो सोच रहे थे आपको मेहनताना भी देते है। अरे तो मालिक, उठिए और दौड़ के चलिए, अभी नल ऐसा सही कर देंगे ना हम कि पूरी हवेली में बाढ़ आ जाएगी। सब याद आ गया। हमारी जगह, हमारा इलाका है, जहाँ चाहेंगे वहाँ गड्ढा खुदवाएंगे, तुम्हारी कब्र खुदवाएंगे। मिश्रा जी, लगाओ। नहीं लगाएंगे, थू जी पे। देखिए, ये जो पाइपलाइन है ये आपके और हमारे बहुत पहले की पुरखों की है, जब ना आप थे ना हम थे। ये आपने क्यों तोड़ी? हाँ, तो जो सीवर लाइन है वो भी बहुत पुरानी है, पुरखों के समय की, जब ना तुम थे ना हम थे, तो हमको क्यों नहीं सीवर लाइन साफ करवाने दी? देखिए, वो मामला अलग था, ये मामला अलग है। कोई मामला अलग नहीं है, समझे? साहब की नियत एक है, समझ गए? तुम हमको परेशान कर रहे थे ना, अब हमारी बारी है। मिश्रा जी, लगाओ। मिश्रा जी, देखिए, आपको कनेक्शन तो जुड़वाना पड़ेगा। कनेक्शन तो हम नहीं जुड़वाएंगे, समझे? तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तीन दिन में हमारा टॉयलेट बनके तैयार हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो। देखिए मिश्रा जी, ये सही नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमने भी यही कहा था, बस तुम्हारी तरह टांग नहीं लटकाई थी। क्या कहा था तुमने? मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो ये भी अब जायज है, कुछ ना जायज नहीं है, समझे? बाबूजी, हरी बोल। शांति बाबू, ये देखो। लो, फिर और सुन लो। मिश्रा जी, ऐसा है, इनसे कह दो कि यहाँ पे आके शोर ना करें, वरना शांति भंग करने के अपराध में ना हम इनकी पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। बहुत शौक था ना तुमको जंग लड़ने का, अब हम करेंगे तुमसे जंग। Get up! जाता है तुमसे अरे बाबा, जाता है। रुक 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 रुक, खचरे 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 कर रहे। औरंग मान इन फरवाइयां खींचे तुमसे। टॉयलेट ना बनाने देंगे, जाने दे तुम्हारे भी कंटा। बेगम, हम आप छोटे से मसले को ये बड़ा क्यों कर रही हैं? पानी नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, हम नया कनेक्शन ले लेंगे। आशिक मियां, नया कनेक्शन लेने में कितना वक्त लगेगा? मालिक, उसके लिए तो घर से मेन लाइन तक खुदाई करनी पड़ेगी, फिर पाइप डालना पड़ेगा और कनेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ तो ले लेंगे। हलवा है क्या? मेरा मतलब है कि नगर निगम में परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम लोग खुदाई कर रहे हैं। हाँ तो ले लेंगे ना परमिशन। ये सरकारी काम है ना, उसके लिए महीनों चले जाएंगे। महीनों? या अल्लाह, मियां हमारे पास तो बस दो ही बाल्टी पानी बचा है ना। और देखिए, अगर हमें काम ये जल्दी कराना हो तो उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। कितनी? हमें क्या पता कितनी, हमने थोड़ी ले रखी है। और रिश्वत दे के मंजूर भी हो गई ना तो उसमें भी 8-10 दिन लग जाएंगे। 8-10 दिन? या अल्लाह मियां हमारे पास तो दो ही बाल्टी पानी बचा है ना। और अगर ये नगर निगम वालों ने ले दे के परमिशन दे भी दी ना, तो ये पाइप बिछाने के लिए जल विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम से भी ले लेंगे परमिशन मियां। अरे वो भी सरकारी काम है, उसमें भी महीनों चले जाएंगे। फिर से महीनों? मियां हमारे पास तो दो ही बाल्टी पानी बचा है ना। हाँ हाँ, रुकी ना। और अगर जल्दी काम करना है ना तो वहाँ भी रिश्वत देनी पड़ेगी। कितनी? अरे मालिक, हमको क्या पता कितनी, हमने थोड़ी ले रखी है। 4-12 हमसे बोले कितनी कितनी, ले दे के अगर काम हो भी गया ना तो उसमें भी 8-10 दिन लगेंगे। फिर से 8-10 दिन? या अल्लाह मियां, मियां, या अल्लाह, हमारे पास। हाँ बेगम, हमें पता है कि हमारे पास 2 बाल्टी पानी है ना। हाँ। देखिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? है, दूसरा रास्ता है, वो ये कि आप जाके मिश्रा जी से राजीनामा कर लें। राजीनामा? अम्मी, हम कभी नहीं लेंगे नामुराद मिश्रा से।
देखिए पानी का जुगाड़ हम कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, लेकिन इन मिश्रा से राजीनामा हरगिज नहीं करेंगे। ना 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 मिश्रा जी भी नहीं करेंगे। ना 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 ठीक है मियां, आप अपने गुरूर में यहीं बैठे रहिए। आपका क्या है, आप तो आधे अधूरे नहाएंगे और चले जाएंगे दुकान पर। हमें देखिए पूरा घर संभालना पड़ता है, बावर्ची खाना हम संभाले, बच्चे हम संभाले। हम जा रहे हैं बात करने। वो क्या है ना, आप तो जानती है सिर्फ दो ही बाल्टी पानी बचा है। जी बताइए पड़ोसन जी। भाभी आपकी छोटी बहन सकीना है। थी, अब नहीं हूँ। जो काम है वो बस काम बताओ। भाभी देखिए आप एक औरत है ना, है ना, हमारा मतलब है एक औरत ही तो औरत का दर्द समझती है ना। दर्द बताओ, समझने लायक होगा तो समझेंगे। भाभी पानी ना होने की वजह से देखिए ना, हम खाना कैसे बनाएंगे, बच्चों को नहलाना भी होता है, कैसे नहलाएंगे और झाड़ू पोछा कपड़े कैसे धोएंगे। बड़ी परेशानी हो रही है भाभी। वैसे भी ये काम तुमको कौन सा करना पड़ता है। आपने कुछ कहा भाभी? नो नहीं, नहीं तो। अब दर्द तो सुन लिया ना तुम्हारा, अब आगे बताओ काम क्या है। भाभी मेहरबानी करके हमारा कनेक्शन जुड़वा दीजिए ना, ताकि हमारे घर में भी पानी आ जाए। कनेक्शन तो अब नहीं जुड़ेगा, ना हमारा और ना नल का। जो हमने भुगता है ना, अब तुम भी भुगतो। भाभी हम सीवर ठीक करा देंगे। उसकी जरूरत नहीं है, हमारा टॉयलेट बन रहा है, बस दो दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। देखो बन गया है आधा। अरे पता करो मजदूर कहां ही नहीं आए, अभी केवल गड्ढे खोदा है, कहीं ऐसा ना हो कि तीन दिन के काम के छह दिन लगा दें। पता करो। चचा हरी बोल, क्या बात है, मुंह से आज और दिन की अपेक्षा ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। कोई समस्या दिक्कत हो निसंकोच बताओ, तुम्हारे बिट्टू हर समस्या की जड़ हैं। अरे हमारा कहने का मतलब है सर्दी पड़ रही, जवान लड़बड़ी आ गई, हर समस्या का हल है। अरे बिट्टू भैया तुमने जो मजदूर भेजे थे आज काम पे आए नहीं। नहीं निकी है इसी मारूं, अभी देखो इनको हिंदी अंग्रेजी गणित में गरी आते हैं। तुम परेशान ना हुआ करो मिश्रा जी। अरे कंचन हमारी विधानसभा के सबसे शरीफ सुंदर सुशील आदमी को तुम परेशान कर रहे हो, तुमको पता है वो क्या बनवा रहे हैं? शौचालय, प्रधानमंत्री जी तक शाबाशी दे रहे हैं शौचालय बनाने वाले की, और तुम गोली दे रहे हो। इतनी ट्रांसपेरेंट वाली लाठी मारेंगे तुम्हारे कि मिस्त्री गिरी सब घुस जाएगी तुम्हारी, समझे। जहाँ मिल जाओगे वहाँ बुरिया बिस्तर कन्नी वसूली सब छीन लेंगे, जहाँ भी हो सब काम छोड़ के पहले हरी बोल चाचा का शौचालय बनाओ आके तुम। अरे बिट्टू भैया आज से मजदूरों के अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल हो गई है। मजदूरों की हड़ताल हो गई कहे बे? लेबर रेट बढ़ाने के लिए, जब तक नहीं बढ़ जाती हम कहीं काम ही नहीं कर सकते। लेबर रेट बढ़ाने के लिए? अबे हमने सोचा था इसी बहाने कुछ हम भी माल पैदा कर लेंगे, लेकिन ये तो बात वही भाई, जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा। क्या हुआ? का बता बे का हुआ, वही बात हो गई, जहाँ जहाँ पड़े संतन के वन वन बंटाधार। आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा पनौती है जिसकी वजह से काम रुक रुक जा रहा, मजदूरों की हड़ताल हुई गई, अब थोड़ी आएंगी। हरी बोल, अरे शौचालय कैसे बनेगा? अरे यार बाबूजी शौचालय गया तेल लेने, समझे। आप तो फिर भी गड्ढा खोद के काम चला सकते हो, लड़के बच्चों को बैठा दोगे, मिर्जा गड्ढा खोद के पानी नहीं पी पाएंगे, बिन जल के मछली जैसे तड़प के मर जाएंगे, हवेली खाली करनी पड़ेगी उनको देखना। अरे ये क्या हो गया मियां? ये जफर बेटा क्या हुआ, चोट तो
क्यों नहीं लगी? ना 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 मिजन, कुछ चोट नहीं लगी, बस पानी लाते हुए पैर मुड़ा और बैलेंस बिगड़ा और हम गिर गए। अल्लाह, देखिए ना बिट्टू मियाँ और बाबूजी ने हमें सहारा दिया, शुक्रिया बिट्टू मियाँ और शुक्रिया बाबूजी। बाबूजी देख रहे हो कैसा आदमी, ये बुढ़ा बुजुर्गों के नाम पे कलंक है और जब भी निकलो हरी बोल ऐसे करता जैसे परमात्मा से डायरेक्ट संबंध है। तुम परेशान कतई ना होना, तुम गड्ढा खोदोगे एक दिन पानी निकल आएगा और ये गड्ढा खोदेंगे शौचालय नहीं निकलेगा, ये हवेली छोड़ के भागेंगे। बिट्टू तुम्हारे साथ है, काहे परेशान हो बे? अरे बिट्टू मियाँ क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं इस वक्त, अरे पहले देखिए हमारे बेटे के चोट तो नहीं लगी? चोट नहीं लगी अम्मी जान, चलिए अंदर चल। हाँ चलो। अरे अयो, ये कुंटल भर के अवसर नहीं संभाल रहे, आओ जल्दी। बेगम सारा दीजिए, लगता है अम्मी जान बहुत चाहिए। हाँ। अरे अब्बू जान पानी तो पूरा गिर गया। सही कह रहे हो, ये नीली वाली बोतलें मिनरल वाटर होता है, बहुत महंगी आती, 600-700 की चोट हो गई सी। बताओ बैठे बिठाए वो हो गया हमारा तो। वो क्या बेगम? वो होता है ना मियाँ, वो जो हो जाता है। अरे यार एक तो तुम सोच लिया करो पहले बोलने से, वो हो जाता है। आपको गिरा देख मिश्रा भाईजान के चेहरे पर क्या आ गई होगी? नुकसान? नुकसान हो गया बैठे बिठाए। नुकसान? नुकसान हो गया बैठे बिठाए। अरे ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, चलिए अंदर चलिए लेकर के। तुम लपक के अंदर चलो, बिना शक्कर की चाय चढ़ाओ। अरे बिट्टू मियाँ कैसी बातें करते हो, घर में पानी नहीं है, चाय कहाँ से बना के पिलाएं? हम काउंटर सिया से हैं, किसी दिन फिर आ जाएंगे, चाय नाश्ता कर लेंगे। अबे भैया पकड़ो आके इनको। यस यस कमिंग कमिंग। तुम चाची इतनी बड़ी हो, लौंडा इतना है भी कैसे पैदा कर रही हो? बेटा बेटा मजबूत, हिम्मत हिम्मत रखिए, हमें पकड़िए। देखिए मियाँ, दो शेरों की लड़ाई में कभी कभी लोमड़ी जीत जाती है, याद रखिए। हमारा तो शेर ही जख्मी होगा। ये सब छोड़िए, अंदर चलिए और चल के दिलो दिमाग से सोचिए आगे क्या करना है। चलिए 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 चलिए। मैं पहले मारा। शाहरुख उससे भी बड़े। सलमान उनसे बड़े। ऋतिक उनसे भी बड़े स्टार। अमिताभ नहीं भाई, उनसे बड़े स्टार। अरे अमिताभ जी से भी बड़े कौन से स्टार है? हेलो बेटा, आओ मेरा बच्चा है तुम, आई लव यू बेटा। बरसात नहीं हो रही है श्रीमान कुंभकर्ण, हमने पानी डाला है ताकि तुम उठ जाओ। क्या सोच रहे हैं? इतवार है तो इसका क्या मतलब है, दिन भर रजाई में पड़े सोते रहोगे? चलो जाओ जाकर के जूतों में पॉलिश करो, नाखून काटो। अबे यार क्या सोच रहे हो, अब क्या नाश्ता भी तुमको बिस्तर पर ही ला के दें? चलो उठो, गुड्डू पूजा दूध पी चुके, नाश्ता कर चुके। सुनो तुम जो किसको लव यू कर रहे थे? अरे छोड़े, जाने दीजिए पापा। जाने नहीं दीजिए पापा, तुम यहाँ रजाई में घुसे लव यू कर रहे हो और हम जाने दें? मारेंगे कंटेंडर, गाल में गोलगप्पे हो जाएंगे। जाने दीजिए पापा, किसे कह रहे थे? अरे आपको कह रहे थे पापा। अच्छा तुम हमसे सपने में लव यू कर रहे थे, बैठे हम सामने, करो हमको लव यू, कहो लव यू। क्या बता रहे, जैसे हम कल के पैदा हुए हैं, हमको बना रहे हैं, हम बता रहे हैं आदि, अगर हमको तुम्हारी कुछ आशकी वाशकी पता चली ना, तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। आपसे वैसे भी बुरा कोई है नहीं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं क्षमा कर दीजिए पापा।
क्षमा कर दीजिए, हम बता रहे हैं आदि, अगर हमको कुछ भी ये पता चल गया ना तो मार जूता तुमको उड़ा के रख देंगे। लव यू टू। मालिक क्या कर रहे हैं, कत्थक जी का चूना रगड़ रहे हैं। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए सर। जी तुम हमको बताओगे कि कत्था लगाना है कि चूना लगाना है? हमसे सिखाए हुए हमें सिखा रहे हो, ज्यादा ज्ञानी न बनो, चुपचाप बैठो, सुपारी काटो, निम्मा ठूसा ठुसिया देंगे तुमको। इनके बिलौटे जैसे शकल देख के कक्षा तीन का भी लौंडा बता देगा आज ये आए नहीं है दुकान, लतिया के भेजे गए हैं। नेताजी पता होता तो आज के अखबार में इनकी छाप देते। अबे लेकिन बीबीसी, हाँ तुम्हारा अखबार पढ़ता कौन? तुम्हारे अखबार में देखो एक ही काम होता है, समोसे खाए जाते हैं, कचौड़ियाँ खाई जाती है, मूंगफली दोने बनते हैं और ऐसे हाथ पोछ के मुंह पोछ के फेंक देते हैं लोग। इधर देखो खस्ते भी खाए जाते हैं। हाँ खस्ते भी खाए जाते हैं, भूल गया तुम्हें, खस्ते भी खाए जाते हैं। कूड़े तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम समाज के चौथे स्तंभ की बेइज्जती कर रहे हो, हम बता रहे हैं तुमको। अरे यार छाप देंगे। अब तो बेइज्जती कर दी, अब क्या करें? मत करो। ये भी देखो तिरछी नजर। मत करो तिरछी नजर, मत करो तिरछी नजर, मत करो वरना नहीं तो चुभ जाएंगे कांटे की तरह, मतलब हमारी तरह। हाँ हेलो, हाँ शांति जी बोलिए। अभी बच्चों के स्कूल से मैसेज आया था, कल इनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मैं आपको चलना होगा। हाँ बेगम तो आप चली जाइए ना, आप हमें क्यों दिक्कत दे रही हैं? अरे हर बार तो हम ही जाते हैं ना, लेकिन इस बार स्कूल वालों ने कह दिया है कि पापा को भी आना जरूरी है, इसलिए तुमको चलना है। हमको जाना है? अरे हम वहाँ जाके क्या करेंगे? अरे वो देखना चाहते हैं कि बच्चों के अब्बू भी हैं या बस बच्चे अम्मी के भरोसे ही पढ़ रहे हैं। हद करते हैं मियां आप। अरे अब इसमें हद करने वाली क्या बात है, अरे भाई दाखिला कराने तो हम ही गए थे, अब क्या रोज रोज उनको विश्वास दिलाए जा करके हम ही उनके बाप हैं? अरे तो यही विश्वास दिलाने के लिए चले चलो कि बच्चों के बाप भी हैं, उनको भी चिंता है। हाँ तो बेगम हम चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है खुदा हाफिज़। अच्छा ठीक है, जब हाई स्कूल वालों का इतना दबाव तो क्या करेंगे, चले चलेंगे। अम्मी जान इस बार अब्बू भी चलेंगे ना? हाँ बेटा इस बार चलेंगे। तब तो बड़ा मजा आएगा, लोग कहेंगे वाह इनाम वाह, तुम्हारे अब्बू जान तो एकदम हीरो लगते हैं। और हाँ अम्मी जान, हम वहाँ पे अब्बू से ये भी कहेंगे कि अपने डोले दिखाए। नहीं नहीं आप ऐसा कुछ मत कहिएगा, फिर आपकी मैडम भी देखेंगी और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ए जलस जलस अम्मी जलस। खामोश रहिए। मम्मी क्या कहा पापा ने, वो तो नहीं आ रहे ना? अरे क्यों नहीं आएंगे, पेरेंट्स का मतलब सिर्फ मम्मी नहीं होता है, पापा भी होता है। तुम बिल्कुल उदास मत हो, पापा चलेंगे ठीक है। अब जाओ तुम अपनी जाके पढ़ाई करो, हम भी खाना बना लेते हैं। पापा का ऐसा क्या किया जाए कि पापा कल आए ही नहीं। मिर्जा अंकल क्या लग रहे हैं, जब इनाम इनको स्कूल में लेकर जाएगा तो सारे बच्चे कहेंगे कि मिर्जा अंकल एकदम हीरो लग रहे हैं, और हमारे पापा अंडा। हाय हाय। मम्मी जान दावत में कोई सोता है क्या? सारा रायता फैला दिया। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपके पार्टी से आ रहे हैं? हाँ बेटा हमारे एक दोस्त की दावत थी, वहीं से आ रहे हैं। कल आप इनाम और जोया की पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हैं? हाँ बेटा जाना ही पड़ेगा, क्यों आपके अब्बू मतलब आपके मतलब मिश्रा जी नहीं जा रहे क्या? नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर कल ही मुलाकात होती है। ठीक है बेटा, चलिए अम्मी जान। बेगम आइए आप। नहीं नहीं मियां आप चलिए, वो हम जरा आदि को 100 रुपए दे के आते हैं, कल शांति भाभी से सब्जी लेते वक्त उधार लिए थे ना हमने, बस हम आते हैं, आप चलिए।
अच्छा ठीक है बेगम, जो करना है कीजिए। अम्मी जान को लिटाने के बाद हम भी लेटने वाले हैं, क्योंकि हमारा नींद पे कोई जोर नहीं, आप तो जानती हैं। ये लीजिए आदि, 100 रुपए अपनी मम्मी को दे देना। क्या ना सकीना आंटी ने दिए थे। जी आंटी। और शुक्रिया भी कह देना, ठीक है। जी आंटी। आंटी हाँ? एक बात पूछें। हाँ हाँ पूछिए। ये मिर्जा अंकल जो हैं, शुरू से इतने हैंडसम हैं, जितने अभी लगते हैं? नहीं नहीं, पहले तो और भी हैंडसम थे, पहले सलमान लगते थे, अब तो फिर भी सोहेल लगते हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, अभी भी सलमान ही लगते हैं। सच? हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, एक बार जानते हैं क्या हुआ। अम्मी जान। आंटी लगता है इनाम आपको पुकार रहा है। हाँ बेटा, हम फिर कभी सुनाएंगे किस्सा, ठीक है, अभी चलते हैं हम। वैसे एक बात पूछिए आदि। पूछिए। आप आज हमारे मियाँ के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही आंटी, आज मिर्जा अंकल इतने चकाचक कपड़े पहने हुए थे तो हमने सच पूछ लें। एक बात और पूछिए तो सच बताएंगे आप। पूछिए। किसी को बोलना मत कि हमने पूछा था। नहीं बताएंगे। हमारी और मियाँ की जोड़ी कैसी लगती है? एकदम अमिताभ अंकल और जय आंटी की तरह। अच्छा, वैसे इतनी उम्र तो नहीं है हमारी। हमारा मतलब है कि रणवीर और आलिया की तरह। इतने जवान भी नहीं है हम, वैसे शुक्रिया, अच्छी तो लगती है ना। अरे अच्छी, अरे आप तो सुपर से भी ऊपर लगती हैं। अरे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। चलिए अब हम चलते हैं। क्या करा जाए कि पापा को पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने ही ना दे। क्या करें आदि, डर लग रहा है कि पापा से कंप्लेन करेंगे। मिश्रा जी, आदि बहुत होशियार बच्चा है, बस नंबर ही कम आते हैं, इसीलिए आपको बुलाया था बात करने के लिए। जी होशियार तो है और अभी छोटा है, इसलिए हम लोग उसे शैतानी करने देते हैं, और वैसे भी होशियार बच्चे ही शैतानी बुद्धि रखते हैं। वो तो है, जैसे जैसे बड़ा होगा नंबर भी अच्छे आने लगेंगे, देखिएगा एक दिन एक कमाल करेगा। आदि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसे फादर मिले, देखो बड़े होके तुम्हें बिल्कुल इनके जैसे बनना है, ठीक है? कोई और काम है या सिर्फ पोछा लगाना था शांति जी? अरे भाई लगा तो दिया पोछा, अब क्या है? लो फिर और सुन लो, इतनी बहसबाजी के बाद अगर इतना सा पोछा लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उनसे अच्छा तो छोटे लाल था। अब ये छोटे लाल कौन है शांति जी? अच्छा, छोटे लाल नहीं पता तुमको? बाजार के कोने पर वो जो पेटू राम की दुकान है पूरी सब्जी की, वो तो सुनी होगी, ये वो भी नहीं पता? आए बड़े पान बेचने वाला। अरे हाँ, वो तो पता है भाई हमको, अरे बहुत चलती है उसकी दुकान। हाँ तो वो भी हमको देखने के लिए आया था। वो भी आया था आपको देखने? एक बात बताइए शांति जी, आप घर में रहती थी या मेले में? पूरा लखनऊ आपको देखकर जा चुका है। और क्या, बहुत डिमांड थी हमारी, लेकिन किस्मत तो हमारी तुम्हारे साथ फूटनी लिखी थी तो फूट गई, वरना आज खुद की हमारी पूरी सब्जी की दुकान होती बाजार में। अब चुपचाप सो जाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो, रात को सुबह हमको दुकान भी जाना है। बेगम आप तो ऐसे कह रही है जैसे आप सचमुच में दुकान जाने वाली हैं कल। सच में जाने वाले हैं दुकान हम कल। बेगम क्या बात कर रही हैं आप, हमारी दुकान ऐसे थोड़ी ना चल जाती है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपको घर संभालने से डर लग रहा है? सोने दीजिए हमें। कैसी बात कर रही है शांति जी, घर चलाने में कैसा डर? अरे हमको तो ये चिंता लगी हुई है कि आप दुकान कैसे चलाएंगी। लो फिर और सुन लो, तुमको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो औरत अपने बच्चे पाल सकती है, घर संभाल सकती है ना, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकती है। गब्दू सक्कू, गब्दू सक्कू,
गब्दू क्या है ये? बेगम जो गोलू मोलू बच्चा होता है ना उसको गब्दू कहते हैं। खबरदार जो हमें आपने गब्दू का, आप होंगे गब्दू। सोने दीजिए हमें। बेगम हम तो मोहब्बत में कह रहे थे। जैसे कि हम जानते नहीं, आपकी मोहब्बत मौका परस्त होती है मियाँ। शांति, ओ शांति। हमारा नाम शांति है, ये उकी मात्रा क्या लगा रहे हो? प्यार से बुला रहे हैं ना, जब थोड़ा प्यार आता है तो छोटे उकी मात्रा लगाते हैं शांतु, और जब ज्यादा प्यार आता है तो बड़े उकी मात्रा लगाते हैं शांतु। तो आप कौन सी मात्रा चल रही है? बहुत बड़े वाले उकी लगाई है शांतु। क्या है? काइया मिया, काइया इंसान है आप। शाम गुजर गई आपको लड़ते लड़ते, रात में मनाने आ रहे हैं? सोने दीजिए हमें, सुबह को दुकान जाना है। मतलब आप दुकान जाएंगी बेगम? जाएंगे मियाँ। हम भी देखते कैसे जाएंगे। तो देख लीजिए जाएंगे, वो तो आप पूरी रात बैठकर ऐसे गर्दन हिलाते रहिए, लाइट बंद कर दीजिए हमें सोने। तो ठीक है हम गर्दन हिलाते रहेंगे, देखिए देखिए। ज्यादा पुचकारने की जरूरत नहीं है हमको, बिल्कुल दिमाग मत खराब करना इस समय हमारा। तुम बड़े काइया आदमी हो। हम काइया आदमी है? हाँ तो तुम्हारी कोई दाल नहीं गलेगी अब। हम दाल गला रहे हैं और क्या, ये उसकी मात्रा इसी मात्रा सारी मात्रा इसी समय लगाओगे? सो जाओ चुपचाप। सो तो जाएंगे ही, चला लेना तुम कल से दुकान। तो चलाएंगे ही। हाँ तो चलाओ जा करके, चलाओ जा करके। हाँ तो चला लेंगे, चला लेंगे। तो चलाओ जा करके दुकान। चलाएंगे ना। शांति भाभी हमें तो लगता है नाश्ता भी हमें दुकान पर जाकर ही करना पड़ेगा आज, इन दोनों की तो अभी तक सुस्ती नहीं उड़ रही है, क्या करेंगे? लो फिर और सुन लो। अरे इसकी तो चिंता ही मत करो तुम सकीना, जब सारे घर का काम इनके सर के ऊपर आ जाएगा ना तो इनकी सुस्ती क्या, इनके सारे होश भी उड़ जाएंगे। सही। वैसे अभी हमें इनकी कम अपनी चिंता ज्यादा हो रही है। अरे बहू तुम दोनों तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई दुकान जाने के लिए। अरे इतनी जल्दी तो मुर्दा भी शमशान नहीं पहुंचता। क्या? अरे बहू कहां तुम दुकान दुकान के चक्कर में लगी हो, इसके चक्कर में तो हमारा पूरा टाइम टेबल ही गड़बड़ा जाएगा, और अगर हम लेट हुए ना तो शव यात्रा का लेट होना भी निश्चित है। और क्या है ना कि हम मुर्दे के लिए बड़े लक्की हैं। मुर्दे के लिए लक्की है? हाँ ऐसा कहा जाता है कि जिस आदमी ने 501 अंतिम संस्कार कर लिए हैं, ऐसा आदमी अगर किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होता है ना तो मुर्दे का स्वर्ग जाना पक्का है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुकान का चक्कर छोड़ो, मुर्दे का स्वर्ग जाने का सवाल है। अरे लेकिन कैसे ना जाए बाबूजी, इनको तो लगता है कि घर बस ऐसे ही चल जाता है। सही कह रही हो शांति बेटा, घर चलाना इतना आसान नहीं है तो दुकान चलाना भी आसान नहीं है। दुकान चलाने के लिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, धंधा पानी सेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तब घर चलता है। हाँ मजनू क्या हो रहा है? आपने जो लेथन भेजी है वही समेटर है। क्यों क्या हुआ? तुम कह रहे दुकान बंद कराने में लगी, अब शगुन हो गया। बताइए सारे पान गिर गया तो बोनी हो जाए यही बहुत है। अच्छा आप आइए वरना चौक चौपटिया पे आपकी दुकान कभी थी यही बताएंगे लोग। क्या वो मिश्रा जी परेशान नजर आ रहे? क्या बात हुई आशिक से? हाँ मियां हुई। तो परेशान तो तुम भी होगे। मिर्जा हमने इतने सालों में अपना धंधा जमाया है, ये हमारी बीवियां कुछ ही दिनों में उसकी बैंड बजा देंगी। हमारी मानो आज शाम को एक बार फिर से उनसे बात कर लो। मियां एकदम दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखिए वो दोनों टीम बना के काम कर रही हैं। हम दोनों को भी उनका मुकाबला टीम बना के करना चाहिए। ठीक है आज से हम टीम हैं। सही है तेरा तय है फिर टीम है। अब्बू जान 11 बज चुके हैं, वेन यू विल मेक नाश्ता? अभी बना देते हैं बेटा, अभी बनाते हैं। लेकिन आप क्या बनाएंगे?
पनीर पराठा खाएंगे आप? पनीर पराठा खाएंगे? और आप? तुम भी खाओगे? हाँ खा लेंगे। तो पनीर पराठा हम भी बना देंगे, क्या है? वो बना देते पनीर है ना आपके फ्रिज में? पनीर पनीर कहाँ है यार। ओ, फिर तो पनीर लाना पड़ेगा, फिर उसे कद्दूकस करना पड़ेगा। पूरी सब्जी बना लेते हैं। हाँ, सुनो पूरी सब्जी खाओगे? हाँ खा लेंगे। हाँ तो ठीक है फिर पूरी सब्जी बना लेते हैं। और आप खाओगे पूरी सब्जी? बेशक खाएंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन मियाँ उसमें ही बड़ी सरदर्दी है, पहले पूड़ियों को बेलो फिर उनको तलो फिर सब्जी के लिए आलू उबालो। भैया एक घंटा निकल जाएगा। अरे जल्दी डिसाइड करिए ना किसको क्या बनाना है। अरे यहाँ पेट में गुड़गुड़ हो जा रही है, अरे बार बार पूछ पूछ कर कैंसिल हो जा रहा है। सुनिए दलिया बनाते हैं। हाँ हाँ दलिया सही रहेगी, झउआ और दरी हमारे यहाँ तो दलिया बना लेंगे। बहुत सही, मतलब पनीर पराठे से आप सीधा दलिये पे उतर आए, कमाल है। तो दलिया है घर में तो दलिया ही बनेगी ना। अरे नहीं है पनीर? सुबह सुबह तला तला खाते हैं आप, पराठा खाएंगे पूड़ी खाएंगे, आइए दलिया खाएंगे। वैसे एक बात है मिश्रा जी, जिंदगी के असली मजे तो हमारी बेगमें ही ले रही थी। असली जीवन का मजा यही है मिर्जा, खाओ पियो और सो जाओ। एकदम दुरुस्त कहा मिया, चलिए थोड़ी झपकी ले लेते हैं। आशिक आप दुकान संभालिए, हम अभी आते हैं। भाभी हम कह रहे थे यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, बस ऑर्डर दो सारे काम हो जाते हैं। सोचिए अगर हम घर में होते ये काम वो काम कर करके हमारी तो वही निकल जाती। वो क्या वो होती है ना वो जो निकल जाती है वो होती है क्या निकल जाती है? ये आप क्या लगा रही हैं बाजू में? पान जान हमारी तो जान ही निकल जाती है। बड़ा खुश है हम तो भाभी। लो फिर और सुन लो, खुश तो हम भी बहुत है, लेकिन एक बात बताए ये लोग खुश नहीं होंगे बिल्कुल। अरे सारे घर का काम इनके सर पे आ गया है। चल चलते हैं। करो। हाँ भैया तो कैसा पान लेंगे आप? कोई सा भी लगा दो हमको क्या है। लो फिर और सुन लो। अरे भैया पान आपको खाना है ना तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा खाएंगे। अरे तो लगा दीजिए ना जो आपको पसंद हो। ऐसा करो मजनू इनके लिए ना वो गुलकंद मार के एक रसगुल्ला पान बना दो, ठीक है? तो मीठा पान खाती हैं आप? अरे भैया हम नहीं खाते हैं, लेकिन आपसे पूछते ही रह जाएंगे ना तो बाकी लोगों को कब निपटाएंगे, ठीक है? खा लो अभी। तो जल्दी ले बे यार हमें भी दर्शन करने हैं, मतलब भाभी जी का पान खाना है। चाय तो भाभी जी आपने ऐसी बनाई कि हम तो अपनी बीवी को ही भूल गए। कुछ हमारा मतलब है कि हम अपनी बीवी की बनाई हुई चाय ही भूल गए। अच्छा अच्छा और पीजिए ना, एक गिलास और पिलाइए। अरे चाय पी पी कर ही फट जाएगा क्या कि घर हो जाइए। तुम्हारे क्या खुजली हो रही है? आप बताए तुम देखो क्या खुजली कहाँ हो रही है। लगने दीजिए भाई, लड़ाई न करिए भाई आपका। एक मिनट। हाँ यहाँ तो जलवे हैं जलवे। आप जानती हैं एक शख्स को हमारे हाथ की चाय इतनी पसंद आई वो तो घर पे पैक करा के ले गए। लो फिर और सुन लो। अरे हमारे यहाँ का ग्राहक तो अपने घर वालों के लिए क्या बल्कि पास पड़ोस वालों के लिए भी बंधवा कर ले जा रहे हैं पान, कह रहे सबको खिलाएंगे। ऐसा लाजवाब पान लगा रहे हो क्या बताए तुमको। भाभी मियाँ भी ना खामा खा कहते रहते थे दुकान पर आकर मेहनत करनी पड़ती है। अरे नोट गिनने में कैसी मेहनत। मेहनत तो घर में करनी पड़ती है सकीना, अब इन लोगों को पता चल रहा होगा जब खुद सारी मेहनत करनी पड़ रही होगी घर में। भाभी हम रखते हैं यहाँ बड़ी अफरा तफरी मची है, ठीक है बाद में करते हैं। हाँ ठीक है। अरे दे रहे, रुक जाओ।
अरे मिश्रा जी, रुमाल रह गया हमारा अंदर। ला रहे हैं शांति जी। मियां हमारा टिफिन कहाँ है? लाए बेगम। ये लीजिए। मिश्रा जी हमारा टिफिन। पर्स पर्स। हमारा मोबाइल फोन वो शायद ऊपर रह गया, लेके आइए। हमको लगता है हमारा फोन भी रह गया होगा ऊपर। एक बात है सकीना, हमको तो ये लग रहा था कि ये लोग एक ही दिन में हार मान लेंगे, लेकिन इन लोगों को देखो, ये तो घर अच्छे से संभाल रहे हैं। सही कह रही हैं भाभी, इन्होंने तो आज टिफिन भी टाइम पर दे दिया। अम्मी आप भी ना बहुत धोनी है। क्यों, क्या हुआ? अरे खाना तो पारो मौसी बना रही है ना। क्या क्या? रुक जाओ जरा। पारो लो, फिर और सुन लो। मुंडन में जाना है? हाँ भैया जी, हमारी बुआ के मौसी के लड़के के बेटे के बीवी के भांजे के बच्चे के मुंडन में हम जा रहे हैं। लाहौल मिला कुवत। मैं पारो, इतनी दूर के रिश्ते में तो लोग जनाजे में नहीं जाते, अब मुंडन में जा रही है। अरे भाई जान, वो हमको इतना मानते हैं तो हमारा जाना तो बनता ही है ना। और फिर देखिए, सिर्फ एक हफ्ते की बात है, आप दोनों संभाल लीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। टाटा बाय बाय। पारो चली। मर गए मिर्जा। मम्मी ये तो चली गई, अब खाने का क्या होगा? अब सब राम भरोसे है। भगवान का नाम बाद में लीजिएगा, पहले ये बताइए खाने की दिक्कत को दूर कैसे करें। अरे यार, हम राम भरोसे ढाबे की बात कर रहे हैं। देखो वो बिल्कुल अपनी तरह का खाना बनाता है, किसी को शक नहीं होगा, और सस्ता तो है ही। हाँ चलिए ठीक है, खाने की दिक्कत तो दूर हो गई, लेकिन मियाँ कपड़ों का क्या? ये नामकुल पारो रोज बोलती थी भैया कल धोएंगे, अब तो हमारे पास कपड़े भी नहीं बचे पहनने को। उसकी चिंता ना करो, हमारे पास उपाय है। अरे इतने सालों में हम लोगों ने मेहनत करके जो रेल तैयार की है वो किस दिन काम आएगी? रेल तुम्हारे वाले इंजन है, हमारे वाले डिब्बे। गुलाबो जनाब, हमारा क्या चाय में अपने हुस्न की चाशनी डाल रही हो जो इतनी भीड़ है? कुछ वो भी कर लेंगे, हमें भी अपनी एक चाय पिला दो। कहिए। छेड़ने आए हैं, छेड़ोगी? ये मौजूद है भाई साहब, अमित से। इन गोरे गोरे हाथों से पान खिलाती हो क्या जो इतनी भीड़ लगा रखी है? अरे हमको भी इन हाथों से खिलाओ चखाओ। क्या मतलब, क्या क्या बदतमीजी मतलब है? दूर हटो, जरा पीछे हटो। कोई है? ये शख्स हमें छेड़ रहे हैं। वो तो छेड़ जाओ ना थोड़ा, इतनी भीड़ के सामने हमको छेड़ रहे हो? मतलब हमको, एक सुंदर लड़की को छेड़ रहे हो यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक जाओ जरा, रुक जाओ। अब बिट्टू भैया। कौन बिट्टू? अब बिट्टू भैया जल्दी आइए। क्या हो गया भाभी, छेड़ रहा है क्या? सकीना भाभी को छेड़ रहा है? आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग दुनिया में आग लगा देंगे, बता दे रहे हैं। हमको छेड़ रहा है बहुत तेज। अरे आप बिल्कुल परेशानी ही ना हो, इनको हम फुटबॉल मछली लाच न मारा हुए जितनी इनके मारेंगे। अनिल कपूर भाई साहब की कसम खाता ही रहे, इनको ऐसी ऐसी जगह मारेंगे कि आप तो छोड़ दो। ये अपनी बीबी छेड़ने में हमसे पूछेंगे बिट्टू भैया छेड़े कि ना छेड़े, इनकी दुहनों कितनी निकाल ले। सकीना भाभी को छेड़ता है और ये सब लोग मिल के आए, सकीना भाभी को छोड़ता है। आ, आ,
अब बहुत मारा है भैया। अरे मिर्जा, घर में डांट खाने से अच्छा है बाहर मार खा लो, बच्चों के सामने इज्जत बनी रहती है। तो मामी यार, ये बाहर वाले लड्डूखोर इंसान मारते भी तो बहुत है। इतना मारा है कि बर्फ लगाते हुए भी हमें दर्द हो रहा है। अरे अर्फ बर्फ कुछ नहीं काम कर रही यार, हम तो जहाँ जहाँ लगा रहे पता ही नहीं चल रहा कि बर्फ लगी भी है कि नहीं, सब डेड हो गया है। आय हाय आ आ आ आया आ आ आ, अरे पैर नहीं रख पा रहे भैया। अरे क्या हुआ? वो फिसल गए, टक्कर मार दी। फिसल गए या कार ने टक्कर मार दी? कोई एक बात बोलो बेटा, लेकिन सही बोलो। वो ये हुआ कि कार ने टक्कर मार दी इसलिए फिसल गए। अच्छा अच्छा अच्छा, होता हम भी तो फिसल गए थे कल। अरे तो बेटा, वो शमशान के बीच वाले रास्ते से आना जाना किया करो, वहां तो भीड़ भी कम रहती है, आसानी से घर आ जाते। रमेश जी, तुमने बेटा हमारे वो पीला वाला और काला वाला मोजा देखा है? अरे कल बच्चों धोते समय घुमा तो नहीं दिया कहीं? वो नहीं नहीं, वो घुमा कहाँ देंगे, वो फट गए होंगे। गए होंगे? अरे परसों तक तो एकदम सही थे। अरे छोड़िए बाबूजी, हम आपको नए दिला देंगे, वो भूल जाइए। आप दिला देना बेटा, ठंड बहुत बढ़ रही है। हाँ ला देंगे। बाबूजी एक बात बताइए, आपके पास दो ही जोड़े मोजे हैं क्या? हाँ ना, दो ही थे, इसलिए हम किसी से धुलवाते भी नहीं थे। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारा मरने का समय हो गया। मरने का समय? अरे शमशान जाने का समय हो गया है। भाभी हमारा दुकान चलाने का वो बड़ा सही था ना? वो क्या? वो होता है ना भाभी, वो जो कोर्ट में जज देता है ना तारीख? नहीं नहीं नहीं, वो जो ऐसे हथौड़ा मार के देता है फैसला। फैसला, हमारा दुकान चलाने का फैसला बड़ा सही था ना? आपके लिए फैसला सही होगा, हमारे लिए तो झंझट बढ़ गया। क्या झंझट बढ़ गया तुम्हारे लिए? झंझट नहीं तो क्या है, अब भर भर के पान लगाने पड़ते। पहले ठीक ठाक दुकानदारी करके आराम से शाम को घर चले जाते, तो अब हजारों संख्या में पान लगाओ, अब भाई उंगलियां छिल गई पान लगाते लगाते, अब रिंकू को भी नहीं घुमा पा रहे। इतनी कम तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होगा बता दे रहे। लो फिर और सुन लो, इनको देख रही हो जरा, फालतू में रोए जा रहे हैं। वैसे एक बात बताना, करते ही क्या हो तुम दुकान पे बैठ के, तो कत्था चूना ही तो रगड़ते हो पूरे दिन। अच्छा, कत्था चूना रगड़ने के अलावा कोई काम नहीं करते? हाँ। तो ठीक है, अब से आप ही कत्था चूना रगड़िए, हम नहीं करेंगे। आप तो जानती है ना चाय उबालने में कितनी मेहनत लगती है, एक एक आदमी 14-14 चाय छुड़क रहा है, चाय उबालते उबालते काले बैगन हो गए हम, सारी स्मार्टनेस खत्म हो गई हमारी। अरे इससे अच्छा तो मैं मालिक थे, तुमको राजा की तरह रखे थे। अब हमारी बात सुनेंगे आप चाय बनाने के अलावा और बर्तन साफ करने के अलावा और क्या करते हैं? दुकान में बाकी के भी काम होते हैं जो हम करते हैं, पूरा खाता हम संभालते हैं, बाकी की चीजें हम करते हैं। अच्छा सही कह रही हैं, जब सारे काम आप ही करती है ना, तो बचे कुछ काम भी आप ही निपटा लीजिए, काहे हमको रखे हैं, पैसा दे रही हैं, हम जा रहे हैं। पहली फुर्सत में निकल लिया, अल्लाह के करम से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी चलेगी। आशिक नहीं करेगा तो हम भी चले जाएंगे। अरे भैया चले जाओ, दिमाग ना खाओ, अब चले जाओ। आप दोनों मिलके हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं, निकलिए भागिए। गए नहीं आप लोग? वैसे एक बात बताए सकीना, ये मर्द जात ना होती ही ऐसी है, इनको लगता है ना कि इनके बिना औरतें कुछ नहीं कर सकती जीवन में, लेकिन देख लेना अब हमने भी ठान लिया है, अब चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए हम भी बस करके ही दिखा देंगे, अपनी दुकान संभाल के ही रहेंगे। अब हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, अब चाहे हाथ जले या केतली चाय हम बनाकर रहेंगे और सारे मर्दों को दिखा देंगे
कि हम किसी से कम नहीं। सकीना, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि दिन ब दिन लोगों की भीड़ क्यों कम होती चली जा रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी, पहले तो लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी और अब है कि लोग एकदम कम होते जा रहे हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाभी, हमारा भी धंधा कुछ खास नहीं चल रहा। हाँ भाभी, धंधा तो हमारा भी घुस ही गया है। एक आध को जबरदस्ती इंजेक्शन हाउक भी दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी फीस देने की बजाय कंटाप धर के निकल गए सब, समझ में नहीं आया। तुम्हारा यूं भी कहाँ चलता था, वो तो कहो कि हमने अपने ओनर से कुछ थोड़ा बहुत छाप लिया। अरे जब इतना ही छाप लिए हैं तो एक जैकेट क्यों नहीं खरीद लेते हो, ठंड लग जाएगी, परेशान हो जाओगे। ठंड कहाँ है ठंड, मैं जब गाड़ी का खर्चा बढ़ेगा तब समझ में आएगा। गाड़ी है, एम्बुलेंस नहीं, लाश के वास्ते। एक जोड़ी पान बांध दीजिए, कलकत्ता सादा। अच्छा, वैसे भाई साहब आपसे एक बात पूछे। जी बोलिए। आप पहले तो दिन में चार बार आते थे दुकान पे, लेकिन आप बस एक ही बार आते हैं, क्यों? एक बात बोले। हाँ हाँ बताइए। जो स्वाद मिश्रा जी और मिर्जा जी की पान और चाय में था वह बिल्कुल नहीं है। उसका भी कारण है, हाथ का बहुत फर्क पड़ता है। वो सब सालों से यही काम कर रहे थे और आपको आए हुए तो अभी सिर्फ हफ्ता भर हुआ है। आपके भी हाथ में स्वाद आ जाएगा, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। ये लीजिए आपका पान। लोगों को मिश्रा जी और मिर्जा भाईजान के हाथों की बनी हुई चाय और पान ही चाहिए। अब उनके हाथ थोड़ी ना काट के ला सकते हैं हम। गया मिया, एक और ट्राई कीजिए। क्या एक और ट्राई कीजिए। छोला कितना महंगा है, दो छोले चले गए खिड़की खुलवाने में। बंद करो मुंह। तो मिया, हमारी खिड़की पे छोले क्यों मार रहे हैं आप? मिर्जा भाई, एक काम कर दो, थोड़ा राशन दे दो यार, हमारा खत्म हो गया है। माफ कीजिए मिया, हमारे पास भी राशन नहीं, हम तो खुद आपसे मांगने वाले थे, देखिए पूरा डब्बा खाली है। अब क्या करें। अरे यार, रेडीमेड आटा ला नहीं सकते, बाबूजी का अपना ही चलता है, वो प्रकाश आटा चक्की वाले से पिसे आटे की रोटियां खाते हैं। प्रकाश आटा चक्की? अच्छा, शांति भाभी वाले? चुप रहो यार, शांति भाभी वाले। देखिए गुस्सा मत हुई है ना मियाँ, क्या है कि हमारी अम्मी जान का भी यही है, वो भी वहीं का खाती है, क्या करें। चलो चल के पिसवाओगे हूँ और क्या करोगे। अम्मा मियाँ, अगर जा रहे हैं तो हमारे भी गेहूं लेके जाइए ना। वैसे एक बात है मिर्जा, ये अदा तो है तुम में। हम में? कौन सी? अमामिया कह के घुस जाते हो, खच्चर समझ लिए हो क्या? हमारा भी लिए जाइए, अपना अपना उठाओ, चलो आ रहे हो। आ रहे हैं, आओ। जो है बेटा, आप तो अच्छी बच्ची है ना, आप क्यों लड़ रही थी उससे? अब्बू इनाम भाई हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा वैसे अब्बू, आज खाने में क्या है? मिश्रा अंकल कुछ बनाएंगे, खाने लायक बनाएंगे, वो खा लेंगे। अच्छा अब्बू, अंडे बन जाएंगे क्या? बेटा अंडे अगर खाने हैं तो फिर तो अंडे लेके आने पड़ेंगे ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, इनाम भाई जान के मंथली टेस्ट में अंडे ही अंडे आए। क्या? अंडा मिला है उनको, मतलब एक भी नहीं लाए? 0 out of 100। बेटा आप इतनी संजीदा बात हमें ऐसे ऐसे करके बता रही हैं? तो अब्बू, अब आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? और अंडे भी आप ही की वजह से आए हैं। हमारी वजह से क्यों? अरे अम्मी तो हम लोग को पढ़ाती भी थी, आप तो बस चलो पढ़ो बोल कर चले जाते हैं। तो बेटा बोलते तो हैं कि पढ़ो, फिर पढ़ते क्यों नहीं है आप दोनों?
अब्बू जिस बच्चे के नील बट्टा सन्नाटा आए हो वो बोलने से पढ़ने लग जाएगा। अब्बू आपने मुहावरा सुना है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और आपके बच्चे भी वैसे ही हैं। अम्मी तो हमें मार मार के पढ़ाती थी।